नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हीना। अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां कलेक्टर और सिंधिया समर्थक भाजपा नेता के बीच हॉट टॉक का वीडियो सामने आया है। इसमें सिंधिया समर्थक भाजयुमो नेता विक्कू हमलावर होते हुए कलेक्टर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोल रहा है, गलत फहमी में मत रहना, बदतमीजी नहीं करना। इतना कहकर भाजयुमो नेता उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कलेक्टर का गनर और नेता के साथी बीच में आकर रोक लेते हैं। दरअसल 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आए थे। उनके कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार गेट गुजर रहा था। तब विक्कू रजावत ने कार गेट में घुसने की कोशिश की थी। 17 सेकंड के इस वीडियो में घटना की जमीनी हकीकत दिखाई दे रही। घटना के 3 दिन बाद 18 सितंबर की रात पुलिस ने महाराजापुरा थाने में कलेक्टर के गनर की शिकायत पर नेता के खिलाफ केस दर्ज किया था। 15 सितंबर को ग्वालियर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। वे यहां 1158 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे थे। शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान के आने पर उनका कारकेट निकल रहा था। इसी समय सिंधिया समर्थक व भाजयुमो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विक्कू सिंह रजावत ने कारकेट में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा घेरे में सेंध लगती दिखी तो कलेक्टर के गनर चंद्रशेखर शर्मा ने तत्काल विक्कू रजावत को रोका और घुसने से मना किया। इस पर भाजयुमो नेता गनर से भिड़ गया और उसके तेवर हमलावर हो गए। यह देखते ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह वहां पहुंचे और समझाना चाहा तो भाजयुमो नेता ने कलेक्टर से भी अभद्रता की। इतना ही नहीं, उन पर हमलावर होने लगा, जिस पर गनर के बीच में आकर रोका। इसी घटनाक्रम के दौरान गनर ने विक्कू पर पिस्टल छीनने के प्रयास का आरोप लगाया है। वीवीआईपी मूवमेंट होने के चलते वह तत्काल थाने नहीं आ सके थे, इसलिए 3 दिन बाद रविवार को मामले की शिकायत की। अब पुलिस ने विक्कू रजावत पर पिस्टल छीनने की कोशिश करने पर लूट का प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। चंद्रशेखर शर्मा 14वीं वाहिनी ये कंपनी में पदस्थ हैं और इस समय ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की सुरक्षा में तैनात हैं। एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी ने इस मामले में कहा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद ये अब इन्वेस्टिगेशन में है और शीघ्र इसका हम निराकरण करेंगे।